हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने देर शाम को 67 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया। वहीं गुरुवार सुबह देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावत कर दी है। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा, मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार और विश्वास देखकर मैं चुनाव लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। हिसार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। क्योंकि देखिए, मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे। 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे मतलब बीच में ले आए अपने और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। उसके बाद 10 साल भी मतलब 20 साल हो गए, समझिए 20 साल अगर हो जाएंगे, तो मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है, इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे में पूरा करके और अपनी हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। सब करके मुझे भी मतलब मैं भी छुट्टी लूँ और मेरी जनता जो है, मेरे बच्चे जो है, हिसार परिवार मेरा खुश हो जाए कि हाँ भाई उन्होंने आके हमारी सेवा की, हमारे काम किए।